बड़ी खबर आपको बता देते हैं, चूंकि लगातार नतीजे जो सामने आ रहे हैं वो तो बता रहे। 2022 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका है ये सबने देखा, लेकिन जो नतीजे सामने आते दिख रहे हैं वो इस वक्त आम आदमी पार्टी के पक्ष में तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। कर्नल अजय कोठियाल को यहाँ से सीएम फेस के तौर पर उतारा आम आदमी पार्टी ने, सीटें न मिलने के बावजूद भी। अभी देखिए जो वोटिंग परसेंटेज इस वक्त हम आपको दिख रहा है, 8.75% वोट शेयर इस वक्त आम आदमी पार्टी का एग्जिट पोल में दिख रहा है। पहली बार चुनाव लड़ा, पहली बार चुनाव लड़ने के बाद 8% वोट परसेंटेज लाना, ये धमक कही जा सकती है आम आदमी पार्टी की। और कई बार होता है विवेक ऐसा कि सीटें हासिल ना हो लेकिन वोटिंग परसेंटेज अगर बढ़ता है, वोट शेयर किसी पार्टी का बढ़ता है तो वो अगले चुनाव में उसके लिए फायदेमंद साबित होता है या किसी और को डेंट पहुंचा रहा है। खासतौर पर वादे वही किए गए थे, बिल्कुल वादे वही किए गए थे जो कि दिल्ली में जिसके जरिए सत्ता हासिल की थी, और वही वादे आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में भी लेकर आई थी, लेकिन यहाँ पर वोट जो परसेंटेज है वो तो बढ़ रहा है लेकिन सीटों में कमाल नहीं कर पा रही आम आदमी पार्टी। मैं आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगी नीरज जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं? मैं तो ये देख रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का पूरा गणित खराब कर दिया है। इस परसेंटेज में कम से कम 8-10 सीटें बीजेपी की निकाल दी हैं इन्होंने, तो आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए बहुत नुकसान करने वाली रही है वहाँ पर, और कांग्रेस को वहाँ तो गेन हुआ कम से कम। बिल्कुल ये असर दिख रहा है और इसका असर सीटों में रिफ्लेक्ट हो रहा है। मैं लौट रहा हूँ आपके पास, हम एक बार फिर चलते अपने मेहमानों की तरफ जो हमारे साथ जुड़े हुए नवीन प्रशाली और तीरथ सिंह रावत। नवीन प्रशाली जी, क्या इसी उम्मीद से आम आदमी पार्टी मैदान में थी कि वोट परसेंटेज कुछ मिल जाए तो बीजेपी का नुकसान हो जाए, कम से कम हम कुछ तो अस्तित्व बनाए? आप तो कह रहे थे आप सरकार बनाएंगे, यहाँ तो एक भी सीट नहीं मिल रही आपको। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, आम आदमी पार्टी सरकार बनाने के लिए ही लड़ रही थी, इसीलिए आम आदमी पार्टी ने 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, और आपने देखा कि हमने दमखम के साथ चुनाव लड़ा और कोई भी प्रत्याशी हमारा कहीं पर नहीं बैठा, ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और असली नतीजे 10 तारीख को आएंगे, एग्जिट पोल अनुमान प्रयासों और आपका जो ग्राउंड सर्वे के आधार पर आ रहा है उसको हम नकार नहीं रहे, लेकिन हो सकता है कि दौरान जब सैंपल लिए जा रहे हो हमारे वोटर तक नहीं पहुंच पाए हूँ, इसलिए जो रिजल्ट आएंगे 10 तारीख को बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे, और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों को इस बार नुकसान हुआ उत्तराखंड में, क्योंकि 20 साल से इन्होंने उत्तराखंड की बर्बादी की है।